तो क्वेश्चन है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ दिया है, इज इंसिडेंट ऑन अ थिन ग्लास प्लेट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू अ प्लेट इज 60 डिग्री. कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट विच इज अपेयर्स बाय डार्क बाय रिफ्लेक्शन. तो मतलब डार्क बोल रहा है, मतलब हमें डार्क की कंडीशन यूज करनी है. म्यू गिवन है, लैम्डा गिवन है और आर गिवन है. ऑर्डर नहीं लिखा तो ऑर्डर ऑब्वियस है, यानी कि एन इक्वल टू वन रख के चलना है. तो क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इसको करना स्टार्ट करते हैं. गिवन है म्यू इक्वल टू 1.5, आर दिया है 60 डिग्री, लैम्डा गिवन है 5890 × 10⁻⁸ cm और ऑर्डर हम 1 ले लेंगे. डार्क बोल रहा है और वो भी किसका केस है, रिफ्लेक्शन का. तो ये चीज ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्शन के लिए बोल रहा है कि ट्रांसमिट के लिए बोल रहा है ना, उसी अकॉर्डिंग कंडीशन यूज करते हैं. तो रिफ्लेक्शन के लिए डार्क की कंडीशन बोल रहा है, तो वी नो दैट द कंडीशन, वी नो दैट द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम, है ना. रिफ्लेक्टेड सिस्टम में पूछा है, तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में ये कंडीशन होती है 2μt cos r = इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, डिस्ट्रक्टिव की जो कंडीशन है. तो यहाँ से टी कैलकुलेट करना है कि थिकनेस कितनी होगी कि हमें वो डार्क दिखाई दे रहा है. तो एन की वैल्यू रख देंगे 1, लैम्डा रख देंगे 5890 × 10⁸, 2μ 1.5 cos r 60. ठीक है, वैल्यूज रख के टी कैलकुलेट कर लीजिए. 3893.3 मेरा आ रहा है 9 × 10⁵ हाँ -5 cm. ठीक है, ये आ रहा होगा. फाइंड द थिकनेस ऑफ सोप फिल्म विच गिव कंस्ट्रक्टिव सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड रेड लाइट ऑफ लैम्डा 700 mm. तो चाहे तो आप लैम्डा की यूनिट चेंज करिए, चाहे मत करिए, क्योंकि जिस ऑर्डर का आप लैम्डा रखोगे उसी ऑर्डर की थिकनेस आ जाएगी. ठीक है, 1 mm इक्वल टू होता है 10⁻⁹ m. तो चाहे तो आप माइक्रोन को चेंज कर दीजिए, चाहे मत करिए, उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा. तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा, म्यू गिवन है, क्या क्या गिवन है, म्यू गिवन है 1.33, ऑर्डर कह रहा है सेकंड ऑर्डर, लैम्डा गिवन है 700 mm. यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं दिया है, आर नहीं दिया है, ना ही इंसिडेंट एंगल दिया है. तो जब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल नहीं देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस है. ठीक है, तो फॉर कौन सा बोल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहा है. तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो रिफ्लेक्टेड के लिए ही आते हैं. ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि रिफ्लेक्टेड लिखा है कि ट्रांसमिट लिखा है. तो रिफ्लेक्टेड के लिए जो कंडीशन होती है 2μt cos r = 2n+1λ/2. मैंने आपको बोला भी था एक कंडीशन याद कर लीजिए, फिर बाकी तीन कंडीशन तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको याद हो जाएंगी, है ना. तो 2μt cos r
इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस कॉस आर इक्वल टू कॉस 0 इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2. और सेकेंड ऑर्डर के लिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के लिए n कितना होगा. चलिए सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे n कितना होगा, कितना रखेंगे. अच्छा यहाँ n ऊपर 2 नहीं लिखती हूँ, रुकिए n ऊपर 2 नहीं आएगा. अभी आप बताना कि यहाँ पे n कितना रखेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है कि सेकेंड ऑर्डर n कितना होगा. मैम n 0 रखेंगे फिर. देखिए हाँ, अगर क्योंकि प्लस है तो यानी कि यहाँ पर n इक्वल टू 0 1 2 होगा, है ना. तो फर्स्ट ऑर्डर 0 पे मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर 1 पे मिलेगा. अगर ये साइन में माइनस लेती ठीक है, तो उस केस में n इक्वल टू 1 2 3 होता, तब सेकेंड ऑर्डर 2 पे मिलता. तो हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे n की वैल्यू. ठीक है, अगर मैं प्लस साइन ले रही हूँ तो सेकेंड ऑर्डर 1 पे मिलेगा, और अगर मैं माइनस साइन ले रही हूँ तो सेकेंड ऑर्डर 2 पे मिलेगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्योंकि मैं प्लस साइन लेके चल रही हूँ तो सेकेंड ऑर्डर मुझे 1 पे मिलेगा. तो फिर ये हमारा हो जाएगा 2 म्यू टी इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 और टी इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 म्यू. वैल्यूज रख लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर. तो ये ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू अब ऐसे ही 2 नहीं ले लेंगे. हाँ, अगर ये वो होता हमारा कौन सा ऑर्डर, ये कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव होता, तो वहां पर तो ये होता है ना 2n लैम्डा बाय 2, तो वहां पर n इक्वल टू 2 ही आता फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, वहां 0 होता नहीं है. थ्री इंटू 700 मिली माइक्रोन अपॉन 4 म्यू दिया है 1.33, तो आंसर मिली माइक्रोन में ही आ जाएगा आपका. ये 394.7 सबका ये आ रहा है. 7 यस मैम. चलिए ठीक है, तो ये टी आ गया आपका. तो अभी तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को चेंज करना स्टार्ट करते हैं. अ ऑयल ड्रॉप ऑफ अ वॉल्यूम 0.2 सेंटीमीटर क्यूब इज ड्रॉप्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर ऑफ एरिया 1 meter square. द फिल्म स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द होल सरफेस एंड वाइट लाइट रिफ्लेक्टेड नॉर्मली इज ऑब्जर्व थ्रू द स्पेक्ट्रोमीटर. द सेपरेशन इज सीन टू कंटेन फर्स्ट डार्क बैंड whose center has wavelength 5.5 × 10⁻⁷ meter. Find the refractive index of the oil. हमें mu find करना है, और question के अंदर देखा जाए तो T given है. T आप कैसे निकालोगे ये सोचिए. तो सोचा कि कैसे करेंगे इसको. बताइए इसको कैसे करेंगे. एंगल तो 90 हो जाएगा. एंगल तो 90 इसके वॉल्यूम को मैम वॉल्यूम को इंटीग्रेट और मैम टी इसके वॉल्यूम से निकाल लेंगे. एंगल 90 कैसे हो गया, ये नॉर्मली बोल रहा है ना, रिफ्लेक्टेड नॉर्मली, तो रिफ्लेक्टेड एंगल 0 हो जाएगा. हां एंगल 0 हो जाएगा, आप ठीक बोला. चलिए अब मुझे थिकनेस बताइए, थिकनेस कितनी होगी. पहले तो थिकनेस की बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है ऑयल का, तो मतलब थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू होगा, है ना, तो मतलब टी क्वेश्चन में है, तभी हम म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो टी कैसे कैलकुलेट करेंगे कोई मुझे ये बताए, बाकी सब तो इसमें दिया ही है. देखिए रिफ्लेक्टेड नॉर्मली है तो आर 0 हो गया. वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे 0 से आर तक. अच्छा
बहुत ही बढ़िया, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कर रहे हैं, हमारे पास ऑयल ड्रॉप है जिसका वॉल्यूम 0.2 सेंटीमीटर क्यूब है, उस ड्रॉप को हमने एक टैंक पे स्प्रेड कर दिया, तो जो वॉल्यूम है वो हमने स्प्रेड किया एरिया पे, तो जो बचेगा हमने वॉल्यूम को एरिया में कन्वर्ट किया तो टी निकल के आएगा, तो थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म निकल के आएगी, द थिकनेस ऑफ द ऑयल इज गिवन बाय टी इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम कितना था 0.2 सेंटीमीटर था, मीटर में करेंगे तो 10^-6 मीटर क्यूब, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा थिकनेस आ गया 2 × 10^-7 मीटर। अब हमें कौन सा बैंड बोल रहा है, फर्स्ट डार्क बैंड बोल रहा है, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा और डार्क की कंडीशन ले लेंगे, द फिल्म विल अपेयर, द फिल्म विल अपेयर डार्क बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए सब तरीके के मैं एक एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ, फिर क्या होता है कि इन्हीं तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर टाइप यही रहेगा क्वेश्चन का, तो सब के मैं एक एक दो दो तरीके के न्यूमेरिकल करा रही हूँ, इसलिए द फिल्म विल अपेयर डार्क बाय रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर वेवलेंथ लैम्डा 2μt कॉस आर इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 और n इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो r इक्वल टू 0 हो गया, तो यहां से म्यू इक्वल टू हो गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n लैम्डा अपॉन 2t, cos r इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1, तो म्यू इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2t और n की वैल्यू भी हम 1 ले लेंगे, फर्स्ट डार्क बैंड बोल रहा है और लैम्डा दिया है 5.5 × 10^-7 2 × 2 × 10^-7। आवाज नहीं आ रही है मैम, आंसर तो आपको बताना है ना, मैं क्या बताऊंगी इसमें, मेरी आवाज का क्या करना है, 1.375 पैलर बीम ऑफ सोडियम लाइट स्ट्राइक अ फिल्म ऑफ ऑयल म्यू इक्वल टू 1.46 फ्लोटिंग ऑन अ वाटर म्यू इक्वल टू 1.33 When viewed at an angle of 30 degree from normal, the eighth dark band is seen. Find the thickness of film. करिए खुद से करिए आप, क्योंकि अब आप मुझे बताएंगे इसमें n तो खैर पता लग ही रहा है, eighth order है, r कितना है, ये सब आप खुद calculate करके बताइए, चलिए इसको खुद से करिए। चलिए तो बताइए मुझे, पहले तो यही बताइए कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए डार्क बैंड के लिए है, फॉर डार्क बैंड 2μt cos r इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा वो अलग बात है, n लैम्डा ही रह जाएगा, और t इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2μ cos r। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, म्यू गिवन है, किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फिल्म है, ठीक है, फिर ये एंगल गिवन है, इस एंगल का मतलब क्या है, कौन सा एंगल गिवन है, एक तरीके से आई गिवन है,
या कह लीजिए आर गिवन है ना, ये वाला एंगल गिवन है. अब आर भी तो दो तरीके के होते हैं, एक तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको भी हम कई बार आर से दिखा देते हैं, और यहाँ पर हम ये वाला आर यूज कर रहे हैं है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल. तो ये वाला आर तो रिफ्रैक्टेड एंगल है और हमें ये वाली वैल्यू दी है, तो ये तो इंसिडेंट एंगल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो यानी कि ये 30 डिग्री हमें दिया है, ये दिया है और हमें ये वाली वैल्यू चाहिए. 60 डिग्री हो जाएगी. 60 डिग्री ऐसे कैसे हो जाएगी, कैसे निकालना पड़ेगा. देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रॉम स्नेल लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ. और क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है, यहाँ से हमारा, क्योंकि हमें ये आर गिवन है ना, यहाँ से हम साइन आर निकाल लेंगे. साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू. साइन आई कितना होगा, जितना ये रिफ्रैक्टेड एंगल है उतना ही आर आई होगा, यानी कि 30 डिग्री. तो साइन 30 अपॉन म्यू 1.46 दे रखा है, तो यहाँ से साइन आई आ जाएगा, साइन आर आ जाएगा. हमें चाहिए कॉस आर, कॉस आर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन होता है वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर. ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर आर आ जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर लीजिएगा यहाँ पर. अब सारी वैल्यूज आ चुकी, पी में पुट करिएगा, 8 ऑर्डर का बोल रहा है ना, सोडियम लाइट बोल रहा है, तो सोडियम लाइट की जो रेंज है वो याद होनी चाहिए, तो 5890 के करीब एंगस्ट्रॉम की लेंथ, वेव लेंथ होती है 10^-8 सेंटीमीटर. 2 × रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46, और यहाँ पर जो भी आपका कॉस आर की वैल्यू आ रही है वो पुट कर दीजिएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया, स्नेल लॉ यूज करते हुए पहले साइन आर की वैल्यू निकाली और फिर साइन आर से कॉस आर निकाला, फिर थिकनेस टी निकाली. मैम इसमें वाटर का भी म्यू दिया हुआ. हाँ, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है. अगर हम हमारी ट्रांसमिट हो रही होती लाइट है ना, उस मीडियम में आ रही होती वाटर में, तब हमें कंसीडर करना पड़ता, तब हम शायद वहां पे यूज कर लेते इसको. बट रिफ्लेक्ट होके आ रही है लाइट, तो वो सिर्फ क्या हो रही है, जो ऑयल ड्रॉप हो रही है उसकी अपर सरफेस से और उसकी लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, वाटर में तो जा ही नहीं रही है. मेरा साइन आर आ रहा है 0.342466. ठीक है, मैम साइन आर मेरा, मैम साइन आर तो 0.34 आया मेरा, यही आ रहा है. हाँ, फिर ये हमारा जब इसको अंडर रूट कैलकुलेट, ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है ना, फिर ये हमारा आ रहा है 0.93 98 मेरा 9 आ रहा है, शायद सारी वैल्यूज रख दी होंगी तुमने, नहीं रखी होंगी, ऐसा कुछ रहा होगा है ना. ठीक है, ये आ रहा है 9.3 आ रहा होगा सबका, इतना तो इतना मैच करना चाहिए, 0.93953 आ रहा है, फिर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे 93953, और कैलकुलेट करके बताइए टी कितना आ रहा है. मैम 1.717 × 10^-4 सेंटीमीटर. 1.71. अच्छा 1.71. ठीक है, रुकिए इसको ठीक कर लेते हैं. चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए सबका ये आ गया होगा है ना, सेम ऐसे ही है. लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इज रिफ्लेक्टेड एट नियरली नॉर्मल इंसिडेंस फ्रॉम द सोप फिल्म ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.42. What is the least thickness of the film will appear dark and bright. तो एक बार dark की condition use करेंगे, एक बार bright की condition use करेंगे, और least thickness पूछी है, तो यानी कि जो भी उसका first order होगा उसकी बात करेंगे, कि n equal to 0 रखना है कि n equal to 1 रखना है, वो dark और bright पे depend करेगा. तो thickness t calculate कर लेंगे, बाकी सारी values दी है, normal incidence दिया है, तो मतलब r equal to 0 रख लेंगे. ठीक है,
तो फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. मैम इसका आंसर लिख दीजिए. आंसर देखना पड़ेगा, रुकिए, नोट कर रखा होगा मैंने तो. हाँ, डार्क के लिए थिकनेस आएगी 2.075 इंटू 10^-5. किस में ले रखी है मैंने, सेंटीमीटर में, ठीक है, ये डार्क के लिए. और ब्राइट के लिए थिकनेस आएगी 1.1037.5. ये एंगस्ट्रॉम में ले रखा है, 10^-, चेंज कर लेना. जो ऊपर वाली वैल्यू आएगी उसकी हाफ हो जाएगी बस, जहां तक है इतना ही अंतर होगा दोनों में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. मैं इसको स्लाइड को चेंज कर रही हूँ, ठीक है, और कर लेते हैं. व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सोप फिल्म और एट एंगल साइन इनवर्स 4/5 एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन एग्जामिनेशन बाय स्पेक्ट्रोस्कोप शो डार्क बैंड. तो डार्क की कंडीशन यूज करनी है. टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड कॉरेस्पॉन्ड टू वेवलेंथ 6.1 × 10^-5 एंड 6.0 × 10^-6 सेंटीमीटर. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म विल बी 4/3 कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ फिल्म. तो इसका आंसर मुझे आप ही बताएंगे, क्योंकि मेरे पास जो आंसर कैलकुलेट है वो यहाँ पर 10^-5 है तब कैलकुलेट है, और यहाँ पे अभी 10^-6 सेंटीमीटर है. तो इसका आंसर आप ही बताएंगे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है. सोचिए कि क्या करना है. दो वेवलेंथ है, एक लैम्डा 1 है, एक लैम्डा 2 है. टू कंसेक्यूटिव बैंड्स हैं, मतलब एक के लिए अगर ऑर्डर हमें एन दिख रहा है तो दूसरे के लिए ऑर्डर n+1 दिख रहा है उस फिल्म के अंदर. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, थिकनेस टी कैलकुलेट करना है, ठीक है. और वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन सोप फिल्म, तो हमें इंसिडेंट एंगल साइन इनवर्स 4/5 दे रखा है. मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू 4/3 गिवन है, ठीक है, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं दी है. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज करके n कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों वेवलेंथ के लिए कि n कितना होगा. तो पहले हम क्या करेंगे, डार्क की कंडीशन लिख लेते हैं. तो कंडीशन फॉर डार्क क्या होता है हमारा, द कंडीशन ऑफ मिनिमा और डार्क बैंड. टू म्यूटी कॉस आर इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा 2. ठीक है, डार्क का याद कर लो, फिर मैक्सिमा का तो खुद ही पता लग जाता है, ये इवन मल्टीपल है तो वो ऑड मल्टीपल होगा. हमारी ये कंडीशन है. अब इसको क्या करेंगे, एक बार वेवलेंथ लैम्डा के लिए यूज करेंगे, एक बार वेवलेंथ लैम्डा 2 के लिए रखेंगे, फिर उसको n निकाल लेंगे वहां से. तो फॉर वेवलेंथ 1 and 2 है ना, तो ऐसे निकालना है. तो लेट n n n प्लस 1 n प्लस 1 बी द ऑर्डर of two wavelengths lambda 1 and lambda 2 respectively. This satisfy the above condition.
टू म्यू टी कॉस आर, पहले यहाँ से टू से टू कट जाएगा तो एन लैमडा हो जाएगा, तो एन लैमडा वन दूसरे के लिए हो जाएगा टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन की जगह एन प्लस वन लैमडा टू. तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इसको इक्वेशन वन बोल देती हूँ, इसको इक्वेशन टू बोल देती हूँ, कि दोनों क्या हो रहे हैं फिल्म के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लैमडा वन भी और लैमडा टू भी, तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा. तो एन लैमडा वन इक्वल टू एन प्लस वन लैमडा टू. यहाँ से आप एन कैलकुलेट कर लेंगे लैमडा वन और लैमडा टू के टर्म्स में, फिर उस एन की वैल्यू या तो इक्वेशन वन में रख दीजिए चाहे इक्वेशन टू में रख दीजिए और फिर टी कैलकुलेट कर लीजिए. तो यहाँ से बताइए एन कितना आ रहा होगा. मैम वन अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू कितना आएगा? लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन माइनस नहीं मैम वन अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू नहीं लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू. हाँ बताओ बाकी जने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं. लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू ये आना चाहिए. हाँ मैं तो बोला था मैंने. ये कहाँ बोला था तुमने? लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन. लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन बोला था ना तुमने खाली. फिर क्या करेंगे इस एन की वैल्यू इक्वेशन वन में रख देंगे. तो नाउ इक्वेशन Now equation one क्या हो जाएगी? टू म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन की जगह हमारा आ जाएगा लैमडा टू अपॉन लैमडा वन माइनस लैमडा टू, और लैमडा वन यहाँ पे पहले से था तो लैमडा वन इंटू लैमडा टू अपॉन लैमडा वन माइनस लैमडा टू, और यहाँ से टी इक्वल टू आ जाएगा हमारा लैमडा वन लैमडा टू अपॉन टू म्यू cos r lambda 1 minus lambda 2. तो t का एक फॉर्मूला बन गया थिकनेस का, कि अगर टू वेवलेंथ एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं फिल्म के अंदर, उनके बैंड दिखाई दे रहे हैं एक साथ अलग अलग ऑर्डर के, तो इस तरीके की थिकनेस का फॉर्मूला आ जाएगा. तो क्वेश्चन में अब देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दिए हैं. क्वेश्चन में हमें आर नहीं दिया है, हमें आई दिया है ना, तो हमें आर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या क्या दिया है अब वो नोट कर लेते हैं. गिवन म्यू दिया है, म्यू इक्वल टू हमें दे रखा है 4/3. साइन आई दिया है, इंसिडेंट एंगल 4/5 है ना, साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू इंसिडेंस था, आई था तो आई निकाल, साइन आई निकाल लिया, साइन आई इक्वल टू 4/5. तो फिर स्नेल लॉ से सेम वैसे ही करेंगे, स्नेल लॉ से क्या करेंगे साइन आर कैलकुलेट कर लेंगे. तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ से साइन आर आ जाएगा हमारा साइन आई अपॉन म्यू है ना, और साइन आर इक्वल टू साइन आई है हमारा 4/5, म्यू है हमारा 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन आर हमारा आ जाएगा 3/5 है ना. फिर यहाँ से हम कॉस भी कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ कॉस आर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर. मैम 4/5 आ जाएगा ना डायरेक्ट लंब बटे आधार से. चलिए बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी ऐसे भी कर सकते हैं है ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो. ठीक है तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 4/5. ठीक है
चलिए अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रख लीजिए और टी कैलकुलेट कर लीजिए, बता दीजिए कितना आ रहा है। यहाँ पे लैम्डा वन दिया है हमें 6.0 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर और लैम्डा टू लिखा है, नहीं वन 6.1 ठीक है, और लैम्डा टू दिया है 6.0 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए। (0.6×10⁻⁶) सेंटीमीटर। तो फिर मेरे को देखना पड़ेगा इतने सेम, ये वैसा ही क्वेश्चन है, वो हमने डार्क के लिए किया था और ये ब्राइट के लिए, वहां पे वेवलेंथ दी थी, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, जस्ट जनरल फॉर्मूला बनाना है, लेकिन यहाँ पे ब्राइट के लिए बनाना है।